नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, पोइम। पोइम का नाम है द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन अर्थात अंतिम सौदा, अंतिम सौदा। अभी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक पहले इसको समझना। कम एंड हायर मी, I cried while in the morning. I was walking on the stone paved road. Sword in hand the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught and he went away in his chariot. In the heat of the midday the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked land. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He wagged his coins one by one, but I turned away. अब इसके अंदर मैं इस पार्ट को पहले आपको सारांश के रूप में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। एक आदमी काम ढूंढ रहा था। पहले वह एक राजा से मिला। राजा उससे शक्ति के द्वारा सौदा करना चाहता था, लेकिन वह ताकत को किसी काम की नहीं मानता था। तब दोपहर बाद एक बूढ़े आदमी से मिला। उस बूढ़े आदमी ने उससे सोने के सिक्के के लिए काम करने को कहा। उसने मना कर दिया। शाम को बगीचे में गया। वहाँ एक सुंदर लड़की ने उससे मुस्कुराहट के बदले काम करने को कहा, किंतु उससे भी पसंद नहीं आया। अंत में उसने एक बच्चे को कौड़ियों से खेलते देखा। उसे किराए पर लेने के लिए बच्चे के पास कुछ नहीं था। आदमी ने सौदा स्वीकार कर लिया। बच्चे के खेल ने उसे मुक्त आदमी बना दिया। उस बच्चे के साथ खेलने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ा। यह आपसी और बराबरी का सौदा था। ऐसा पाठ का सारांश है। अब मैं पाठ इसको पहले आपको जो अर्थ बताऊंगा वो एज चैरिट तक का अर्थ मैं आपके सामने रखूंगा। सुबह जब मैं चीखा, आओ और मुझे किराए पर लो, काम पर लगाओ। उस समय मैं पत्थर निर्मित सड़क पर चल रहा था। राजा अपने हाथ में तलवार लिए रथ पर सवार आया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से किराए पर ले लूंगा। लेकिन उसकी शक्ति का मूल्य कुछ नहीं था और वह वापस अपने रथ में चला गया। अब आगे है, इन द हीट ऑफ मिड डे एंड हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। आई वांडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लैंड एंड ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हाई यू विथ माई मनी। ही वेड हिज कॉन्स वन बाई वन, बट आई टर्न्ड अवे। दोपहर की गर्मी में घरों के दरवाजे बंद थे। मैं टेढ़ी मेढ़ी गली में भटकता रहा। एक बूढ़ा आदमी अपने सोने के सिक्कों की थैली लेकर बाहर आया। उसने सोचकर कहा, मैं तुम्हें मेरे धन के बदले किराए पर लूंगा। उसने अपने सिक्कों को एक एक करके तोला, परंतु मैं मुड़ गया। अब अगला तीसरा पैरा उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। इट वॉज इवनिंग। द गार्डन हैज वॉज ऑल ए फ्लोवर। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हाई यू विथ ए स्माइल। हर स्माइल पेल्ड एंड मेंटेड इन टू टीयर्स एंड सी वेंट बैक एलोंग इन टू द डार्क। अब शाम हो गई। बगीचे की बाड़ फूलों से पूरी लदी थी। सुंदर लड़की ने बाहर आकर कहा, मैं तुम्हारे काम के बदले अपनी मुस्कान दूंगी। किंतु उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और आंसुओं में बदल गई। वह अकेली अंधेरे में चली गई। द सन ग्लिस्टेड वन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली। ए चाइल्ड सैड प्लेइंग विथ सेल्स। ही रेस्ट He had and seemed to know me and said, I have you with nothing. From
हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टिक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी एंड फ्री मैन। सूरज रेत पर चमक रहा था, समुद्र की लहरें मनमर्जी से टकरा रही थी, एक बच्चा बैठा हुआ कोड़ियों से खेल रहा था। उसने अपना सिर लाया और ऐसे देखा मानो मुझे जानता हो। वह बोला, मैं बिना पारिश्रमिक के तुम्हें काम देता हूँ। इस समय से हमारा सौदा पक्का हो गया और बच्चे के साथ खेलने मुझे एक आजाद आदमी बना दिया। ये अपना लास्ट ब्रेकन एंड अंतिम सौदे के पाठ का सारांश था। अब हमारे सामने कुछ हार्ड मीनिंग आई, जैसे स्टोन पैड यानी पत्थर निर्मित, नोट NUGST कुछ नहीं, वांडर्ड यानी भटकता रहा, हेज यानी बाहड़ की झाड़ियाँ, मैड यानी लड़की, उसके बाद में चैन द नंबर, किंग का किंग्स, डे का डेज, कॉन का कॉइंस, सेल का सेल्स। अब उसके बाद में हमारे गृह कार्य संबंधी प्रश्न है, उसको एक बार समझना। पहला प्रश्न है कि हु इज द स्पीकर इन द पोइम, हु इज द स्पीकर इन द पोइम, अर्थात कविता को बोलने वाला कौन है, अर्थात ये कविता कौन बोल रहा है, इसका आपको उत्तर ढूंढना है। दूसरा प्रश्न है द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्टेड, इसमें हाथ में तलवार लिए राजा, ये वाक्य क्या प्रदर्शित करता है, हमको इन चार ऑप्शन के माध्यम से बताना है। वेल्थ यानी धन, पावर यानी ताकत, मोर पावर देन वेल्थ, ये तीन ऑप्शन में से हमारा जो उत्तर सही है उसको आपको इंगित बताना है इस पद्यांश के माध्यम से। तीसरा है द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, बुढ़े आदमी ने वक्ता को अत्यधिक धन का प्रस्ताव किया, उसने उस प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया, ये प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रकार हमको ये गृह कार्य में करना है और चयन द नंबर इसको भी अपनी कॉपी में करना और हार्ड मीनिंग इसको भी करना, अर्थात इस कविता के माध्यम से एक स्वतंत्र आदमी कैसे बनना, इस बात को हम सीखे हैं। ये जो कविता है ये रविंद्रनाथ टैगोर के ने रची है, अर्थात इस कविता के जो कवि हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात